हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या मोम ब्लॉग्स। और मेरे किचन की हालत देखकर आप पहचान गए होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है किचन की डीप क्लीनिंग का वीडियो। तो देखिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने किचन को कर दिया है खाली। यहाँ पर मैंने एक एक सामान निकल के इसको पूरा खाली कर दिया है यहाँ पर। तो देखिए, दिवाली आने वाली है तो अब तुम सफाई करनी है घर की। तो मैं धीरे धीरे अपने सफाई करी, तो पहले मैंने कर लिया यहाँ पर किचन को क्लीन और उसके बाद करेंगे बाकी की सफाई। तो देखिए, मैंने किचन खाली कर लिया। देखिए, ये जो कार्डबोर्ड मैंने बिछाई थी, सीलन में कैसे हो गए हैं, काले पड़ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी पेपर लगाए थे सबको निकाल दिया है वहाँ से, उनको वॉश कर लूँगी और अब झाड़ू से उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है और फिर पानी से अच्छे से धोकर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। और तब तक मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये जो प्याज और आलू की टोकरी है इसको भी खाली कर दिया, इसको भी वॉश करके हम धूप में सुखा लेंगे। और ये जो टंकी है इसको भी मैंने कर लिया, इसमें जो सामान था वो थैले में निकाल के रख दिया है, इसको भी हम वॉश करके भी सुखा के हमने धूप में सुखा के फिर दोबारा से इसमें सामान रख देंगे। तो यहाँ पर भी मैं इसको वॉश करके रख के आ गई हूँ धूप में। तो आ करके फिर मैंने अपने ये जो बर्तनों का स्टैंड है इसको कर लिया खाली, अब इसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी बर्तनों को इसमें से निकाल कर इसको खाली कर दिया और फिर इसको जो बर्तनों का जो साबुन होता है उससे अच्छे से वॉश कर देंगे। यहाँ पर जूना लेकर, बर्तनों का जूना लेकर उसको अच्छे से क्लीन हो जाता है उससे। यहाँ पर मैंने गीजर और आरओ का जो कपड़ा था ऊपर से वो भी, और बर्तनों का स्टैंड साफ़ करने के बाद अब आई है स्लैब और विंडो की बारी। तो यहाँ पर मैंने स्लैब को भी कर लिया है खाली, यहाँ से सारा सामान हटा दिया है। यहाँ पर देखिए, मेरी बेटी क्या करने लगी, इसने कढ़ाई ले ली और ये लहसुन ले ली इसमें, और ये इसने ना सब कुछ छील दिया इनको। अब इसका खाना बन रहा है यहाँ पर कढ़ाई में। और देखिए, हम फिर से लग गए हैं अपने काम पर। तो यहाँ पर मैंने बर्तनों के जूने से ही पूरे स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लिया है, टाइल वगैरह को। और फिर देखिए, यहाँ पर टाइल को भी अच्छे से साफ कर लूँगी इसी से, ये इससे ही क्लीन हो जाएंगी। और इसको क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको गैस, जो गैस का चूल्हा है इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी लोहे के जूने की मदद से। तो यहाँ पर इसको क्लीन करने के बाद यहाँ पर पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने और वाइपर से इसको पूरे पानी को हटा दिया है, पूरा सोख जाएगा ये। और वाइपर की हेल्प से क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया और इससे भी पूरी टाइल और गैस के चूल्हे को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। और यहाँ पर देखिए, क्लीन होने के बाद मैंने अपना सामान जो हटाया था वो फिर से यहाँ पर लगा लिया है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर करते हैं एंड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। और आपने दिवाली सफाई शुरू की या नहीं कमेंट करके जरूर